नमस्कार, आप देख रहे हैं एस आर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप अक्सर मौके बेमौके मुझे तब देखते रहते हैं जब अशोक नगर से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा होता है, कोई बड़ी शख्सियत होती है और कुछ बड़ी उपलब्धि होती है। तो ऐसे ही आज मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रही है भूरक्षा दुबे। उनको बधाई देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग बीच में है। 2 दिन से आप लगातार अशोक नगर से जुड़े हैं तो सोशल मीडिया पर देख पा रहे होंगे कि भूरक्षा दुबे को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो विक्रम अवार्डी घोषित किए हैं उसमें नॉमिनेट किया गया है। तो भूरक्षा, सबसे पहले तो ये जो अवार्ड मिला है विक्रम अवार्ड, खेल के लिए बड़ा अवार्ड होता है सबसे बड़ा, तो उसको पाने के लिए बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। पूरा शहर इसको लेकर बधाई दे रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल यही कि लक कैसा रहा था जब ये अनाउंसमेंट हुआ था और ये पता चला था? जी, मुझे तो बहुत ही नॉर्मल लगा उस समय। ज्यादा मैं अंदर ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैंने अपने परिवार की और सारे अशोकनगर के लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो बहुत खुशी हुई और लगा कि सच में कुछ बड़ा हो गया है। तो चलिए, ये मिली जानकारी कैसे मिली थी? मतलब पहले से पता था या अटेंडम किसी ने बताया कि तुम्हारा नाम अनाउंस किया गया है? जी, आवेदन तो काफी महीनों पहले हो गए थे और मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि रिजल्ट कब आएगा, पर जो हमारी मध्य प्रदेश वुशु संघ की सचिव है सारिका मैम, उन्होंने मुझे रिजल्ट भेजा। जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जो पोस्ट के माध्यम से घोषणा की वो उन्होंने भेजी, और सबसे पहले बधाई उन्होंने दी, उससे मुझे पता चला। फिर मैंने अपने परिवार से शेयर की और फिर धीरे धीरे पूरे अशोकनगर ने उसका जश्न मनाया। तो जब शुभकामनाएं आ रही थी, लोग विशेष दे रहे थे, तो उस समय कैसा लग रहा था? जी, बहुत 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 ही अच्छा, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि अपनी अपने काम से अगर हम खुश कर सके अपने आसपास के लोगों को, और मुझे सच में लगा कि शायद मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सब लोग बहुत खुश हैं, मेरा परिवार, सारे अशोकनगर वासी, वुशु फैमिली। तो मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी उस समय। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक ड्रीम बना रखा है जीवन के लिए और लंबे समय से उसके लिए काम कर रहे हैं। इन सब पे भी हम बात करेंगे। तो वो जो लंबी समय की जो एक तपस्या थी या एक मेहनत थी, तो वो जो सफल हुआ, तो लगता है कि हाँ, कोई एक हासिल कर लिया, अचीवमेंट जो चाह रहे थे वो मिल गया, ऐसा लग रहा था क्या? जी बिल्कुल। दरअसल जब एकलव्य अवार्ड मिला था मुझे, तो जी एकलव्य अवार्ड बहुत छोटी थी मैं उसी समय मुझे मिल गया था, और जब मुझे पता ही चला था एकलव्य अवार्ड क्या होता है, और उसके 2 साल के अंदर मैंने ले लिया था। पर विक्रम अवार्ड उस समय बहुत ही सीनियर खिलाड़ियों को मिलता था, जो जिनसे मैं कभी कभी मिल पाती थी उन लोगों को विक्रम अवार्ड मिलता था, जो मेरे लिए सेलिब्रिटी ही थे। तो मैंने अपने मन में कभी आशा नहीं की थी कि मुझे विक्रम अवार्ड मिलेगा, पर धीरे 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 मैं पहुंच गई हूँ उस जगह। तो मैं ऐसा मुझे महसूस कर रही हूँ कि बहुत लंबा सफर मैंने तय कर लिया है। अच्छा, एक चीज वो भी बता दीजिए, जब साई में, चूंकि आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं इस समय, वहां रह रही हैं, तो जब ये अवार्ड हुआ तो वहां के लोगों की, आपके जो साथ में ट्रिप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोचेज, और वहां कैसा माहौल है? वो कुछ लग रहा है कुछ अलग सा है? किस तरह विश कर रहे हैं लोग आप? बिल्कुल सर, बहुत ही खुश हैं यहाँ पर, साई में भी सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उन लोगों को भी काफी लंबे समय से इंतजार था, और वो लोग भी बहुत ही मतलब इंतजार कर रहे थे मेरे कुछ अचीव करने का काफी समय से। मेरे जो सारे साथ के स्पोर्ट्स पर्सन हैं अलग अलग स्टेट्स के, सभी लगभग किसी न किसी जॉब में हैं, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी इंतजार था कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुझे भी शासकीय नौकरी मिले। तो मुझसे कहीं ज्यादा तो उनकी खुशी देखकर भी मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, ये जो बात करें तो क्या मतलब ये लग रहा था कि हाँ, विक्रम अवार्ड के लिए बिल्कुल एलिजिबल और वो मिल सकता है तुमको या मिलेगा, ये ऐसा बिल्कुल तय था क्या कुछ समय पहले से? जी, उम्मीद तो सभी को थी, क्योंकि मैं 2017 से सीनियर वर्ग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और हर साल ही लगभग मेरा बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है, तो सबको उम्मीद थी। लेकिन 2017 के बाद से वुशु खेल में अवार्ड, विक्रम अवार्ड नहीं दिया गया था, तो कहीं ना कहीं हम निराश थे इस चीज को लेकर। पर 2017 के बाद फाइनली मुझे मिला, तो सबकी उम्मीद फिर से जाग गई है और सब बहुत खुश हैं।
और बहुत प्रोत्साहन भी मिला है वुशु खिलाड़ियों को, और अब आगे आने वाले समय में विक्रम अवार्ड और जीते वुशु के बच्चे, ऐसा भी सबको उम्मीद तो है। लगभग 5 साल का एक जो खालीपन था, गैप, वो तो भूषण जैसे खेल के लिए मिला ही है। मगर हम इसमें यही जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों बच्चे खेल रहे हैं तमाम सारी प्रतियोगिताओं में, वो भी जीत रहे हैं, मेडल उनको भी मिल रहा है। तो विक्रम अवार्ड मिलने का जो आधार रहता है वो क्या होता है, किन चीजों के आधार पर आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है? जी, इसमें मध्य प्रदेश शासन आवेदन मांगती है, और इसमें पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं में जिसने देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो और मेडल जीते हों, उन खिलाड़ियों को एक मेरिट क्रिएट की जाती है उनके द्वारा जीते गए पदकों के आधार पर, जिसमें आपको आपके खेल में टॉप करना होता है, और फिर सभी खेलों में भी जितने अवार्ड दिए जाने हैं उस मेरिट में भी आपको आना होता है, फिर मतलब उसके अकेले आधार पर। प्रतिस्पर्धा बूसू की नहीं थी कि साहब एक बूसू के लिए दे रखा है विक्रम, तो उसमें अकेले लड़ाई करनी है, मतलब ओवरऑल जी जितने नॉमिनेटेड खेल है उन सब में आपको अपना जो है रैंकिंग सुधारना था। तो जी जी बिल्कुल ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बूसू कम खेले जाने वाले खेल के बाद भी इतने बड़े खेलों में जिनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है वहां पर आप टॉप 10 में आप आ रही है और अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक चीज ये भी जानना चाह रहा था कि जब ये चयन हुआ है तो थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि कितने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है पदक रहे हैं जिनकी बदौलत आपको ये अवार्ड मिला है। जी अभी तक मैंने 2009 से अभी तक 16 नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स खेली हैं, जिसमें मेरे 35 से ज़्यादा राष्ट्रीय पदक हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 2 बार भारत को का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें एक बार मेरी 6th पोजीशन थी और एक बार ब्रॉन्ज मेडल है मेरा, माफ कीजिए 3 बार किया है, और अभी रिसेंट लास्ट ईयर ब्रिक्स गेम्स जो ऑनलाइन हुआ था उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल है, और इसके साथ साथ डिफरेंट जो हमारी अवार्ड्स हुए, एकलव्य अवार्ड हुआ 2013 में, इसके अलावा WIFS प्लान का मेरे को एम्बेसडर बनाया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, और उसमें भी खास ये है कि उससे पहले आमतौर पर जो हमारी सिनेमा कलाकार हैं उनको बनाया जाता था, पहली बार खिलाड़ी को बनाया गया था, और जिनके साथ बहुत ही ऑनरेबल है हमारी श्रीमती राजकुमारी राठौर जी, उनके साथ मुझे नामित किया गया था उसने, और फिर 2021 में खेल मंत्री जी के द्वारा मुझे आउटस्टैंडिंग एथलीट ऑफ साई अवार्ड भी दिया गया, तो यही रहा है अभी तक अच्छा मेरा सफर। अच्छा कल हम जब आपसे मिल रहे थे साई में तो बहुत सारी बातें हो रही थी, उसमें एक चीज ये भी निकल के आई थी कि बहुत लंबे समय से साई में रहने वाली गिनी चुनी बच्चियों में से आप एक हैं, तो वो मापदंड वहां पर रह पाने का बड़ा कठिन होता है, तो लगातार आपको जो है परफॉर्मेंस करना पड़ता है, अवार्ड करना पड़ता है, तो ये जो सफर था वो जी कितना कठिन था, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी वहां रहने के लिए? तो बिल्कुल सर, तो दरअसल मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम में साई में मैंने ज्वाइन किया था, और उसका क्राइटेरिया यही है कि आपको हर साल राष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करना पड़ेगा, मतलब आपको मेडल में आना ही पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया है, नहीं तो आप अगले साल के लिए एलिजिबल नहीं हो वहां प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, और आमतौर पर कभी ना कभी खिलाड़ी के साथ ऐसा होता ही है, 2-3 साल में एक बार मात होती है, पर आप सबके आशीर्वाद से 2013 से अभी तक मैं साई में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव की है वहाँ रह के, और मुझे साई का भी बहुत सपोर्ट मिला है इस जर्नी में, और 2009 से अभी तक एक भी साल ऐसा नहीं गया जब मेरा नेशनल लेवल पे अचीवमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उसको मतलब कंटिन्यू रखना, सस्टेन रखना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आप जब सपोर्ट की बात कर रही हैं तो मैं इसमें ये पूछना जरूर चाहूंगा कि यहाँ तक पहुंचने की यात्रा अकेली गुरक्षा की नहीं है, ठीक है मेहनत आपकी है बिल्कुल, उसमें कोई दो मत नहीं है, मगर कुछ और लोग भी होंगे जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाने में मदद की है, तो आज कुछ वो लोग याद आ रहे हैं, किन किन के प्रति जो है कृतज्ञता जाहिर करने जाएंगी, किन को ये जो है श्रेय जाता है इसका? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो पेरेंट्स मेरे बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं शुरू से, क्योंकि शुरुआत मेरी इतनी आसान नहीं थी, भले ही मैंने शुरुआती दिनों में ही नेशनल मेडल ले लिए, लेकिन
जो बाहरी एनवायरनमेंट है उसने मेरे को इतना सपोर्ट अप्रिशिएट नहीं किया था, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया, उन्होंने बाहरी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दी और मुझे ही उल्टा समझाया कि तुमको बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है कि अपनी स्किल्स अपने हुनर के बलबूते बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लो। और उसमें भी मैं भूलूंगी कि मेरे पिता ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है अभी तक, मैं शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की है वुशु में जितनी उन्होंने पीछे से मेरे प्रति मेहनत की है, तो ये बात मैं सही बस। करेंगे। हम डॉक्टर साहब को देखते रहते, आनंद मोहन जी जो है वो छोटी छोटी सी जब उपलब्धि आपकी होती थी तो उनके प्रेस नोट हम लोगों के पास भेजते रहते थे, व्यक्तिगत तौर पर भी वो अक्सर बताते रहते थे कि आप गोरक्षा ये कर रही है, उसका ये हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए तो बड़ा दिन है ही आज। मगर एक चीज ये भी समझना चाह रहा था, असली में एक तो वुशु जैसा खेल वो बहुत गैर परंपरागत था, विदेश का खेल था, ज्यादा लोग जानते नहीं थे। उसमें भी एक छोटी सी बच्ची को उस समय आज से 10-12 साल पहले तो स्थितियां और ठीक नहीं थी, तो कितना संघर्ष करना पड़ा सोसाइटी से, दूसरे लोगों से, तो और उस समय कौन से ताने और उलाहना मिली जो है। बहुत ज्यादा, जब मेरा पहली बार इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था जो कि चीन में होने वाली थी शंघाई शहर में, तो मेरे परिवार से उस समय तक किसी का पासपोर्ट भी नहीं बना था, पहला पासपोर्ट मेरा ही बना था, उसके लिए भी हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा था, उसके लिए कई बार मेरा 2-3 बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, और उसमें फिर मेरे पापा बार बार भोपाल आते थे, उस समय मैं नेशनल कैंप में थी तो फिर उससे छुट्टी लेके मुझे बार बार पासपोर्ट के लिए परेशान होना पड़ता था। फिर उसके बाद जब मैं फाइनली चैंपियनशिप खेलने चली गई तो उस समय मैं बच्ची थी तो मैं मेंटल रूप से भी तैयार नहीं थी, उसके लिए भी मेरे पापा ने ही मुझे हिम्मत दी कि ये बस छोटा सा पड़ाव है, इसको इस तरीके से मत लो कि तुम्हें बाहर देश घूम के आना है, इसको इस तरीके से लो कि तुम्हारे पीछे देश का झंडा होगा, वहां क्या करके आओगी अभी इतना कमजोर महसूस कर रही हो। तो जब मैं चाइना खेल के भी आ गई तो फिर आसपास के जो लोग होते हैं उन्होंने इस तरीके से परिवार को बोला कि छोटी सी बच्ची को विदेश भेज दिया अकेले, ये क्या बात है। इसके बाद मैं फिर से इंटरनेशनल खेलने गई तो उनको ऐसा लगता था कि यूं ही बोलते रहते हैं, पता नहीं गई भी है कि नहीं गई है, पर इन सब छोटी मोटी चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हमेशा से मेरे लिए मेहनत करते रहे और मुझे खुद पे भी इतना विश्वास नहीं था जितना उन्होंने दिलाया कि अगर तुम में काबिलियत है तो तुमको काम करना चाहिए उसके ऊपर और ये बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा, तो अच्छा इसीलिए एक उनको मैं चीज, पाई हूँ। इसमें एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि जब बहुत छोटी उम्र में ये सब चीजें शुरू कर दी थी तो उस समय तो जीवन को लेकर कोई लक्ष्य भी नहीं होता, कोई तय भी नहीं करते, तो ये वुशु के प्रति आकर्षण बना कैसे और ये यात्रा शुरू कैसे हुई, कैसे लगा कि हाँ हमको वुशु में ही आगे बढ़ना है। मेरा कोई प्लान नहीं था वुशु प्रोफेशनली खेलने का, मैं मेरे सामने श्रेया दीदी रहती हैं, पहले वो खेलती थी, उन्होंने मेरी छोटी बहन कौशिकी को क्लास लेके जाना शुरू किया, कौशिकी को कंपनी देने के लिए मात्र फिटनेस के लिए मैंने जाना शुरू किया, पर फिर वो नवोदय स्कूल चली गई और उसका छूट गया उस वजह से गेम, और मैं कंटिन्यू करती रही, अचीवमेंट आते रहे, जब आते गए तो मेरे परिवार की और आसपास के लोगों की भी, मध्य प्रदेश टीम की भी थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई मुझसे कि तुमको इसे प्रोफेशनली लेना चाहिए, जब तक मैं इंटरनेशनल भी खेल चुकी थी तब तक भी मैं उसको प्रोफेशनली नहीं मानती थी, मेरा हमेशा से फोकस अपनी पढ़ाई पर ही था, पर जब मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे पूरा ध्यान लगाना चाहिए इस पे, तब मैंने साई आने का फैसला लिया और फिर नहीं देखा मैंने पीछे मुड़ के। नहीं, अब जब विक्रम अवार्ड हो जाएगा तो इसके बाद तो ये है कि आपको एक सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी जो है, तो आगे के लिए क्या तय किया है कि एक अच्छी सी नौकरी करके सेटल होना है या इस खेल को कंटिन्यू करना है, इस पर अभी और थोड़ा सा फोकस रखना है। जी बिल्कुल, मुझे फोकस रखना ही है, विक्रम अवार्ड एक एप्रिसिएशन है और एक स्टेपिंग स्टोन है मैं कहूंगी, जिसमें जिससे चढ़ के मुझे सहायता मिलेगी और आगे के लिए, जिसकी वजह से मुझे एक मार्गदर्शन मिलेगा आगे।
पर मैं इसको एक स्टेपिंग स्टोन के जैसे लेती हूँ, क्योंकि मुझे आगे और खेलना है और अचीवमेंट लेनी है। आने वाले गोवा नेशनल गेम्स के लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो वहां मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है। चलिए, उसके लिए तो हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, मगर एक चीज जरूर ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा था कि पहला एक क्लब अशोकनगर से आप लेकर आई थी, इसके बाद एक लाइन लग गई थी, अब 4 या 5 करीब हो गए, तो जी ये मान सकते हैं कि एक नई परंपरा या एक नई जो है मैं बच्चों के लिए गाइड मिलेगी कि वो अगर थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो अशोकनगर में खासकर जो बच्चियां मेहनत कर पा रही हैं उनके लिए वुशु में या दूसरे खेलों में तो अप्रिसिएशन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं तो यही उम्मीद करूंगी, क्योंकि जब एकलव्य शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं आपके साथ के लोग प्रोत्साहित तो होते ही हैं, और मैंने शुरुआत की, उसके बाद 4-5 अवार्ड आ गए हैं हमारे जिले में। और विक्रम भले मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वुशु के साथ साथ और दूसरे खेलों में भी हर साल जो अवार्ड लिस्ट निकलती है उसमें एक सिंगल अशोकनगर का नाम ना हो। जैसे भोपाल के 3-4 बच्चे हर साल लेते हैं, इंदौर के 3-4 बच्चे, ऐसे अशोकनगर भी कि अवार्ड की भी लाइन लग जाए, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। चलिए, जाते जाते एक सवाल ये जरूर पूछना चाहते हैं कि हमने कई सारे लोगों को अशोकनगर में बूसू के लिए काम करते देखा, आपके को पुराने कोचों को भी देखा है, फिर भोपाल में, तो अभी की स्थिति अगर हम भोपाल लेवल पे बात करें तो अशोकनगर को लेकर और बूसू को लेकर बड़ी सम्मानजनक तरीके से कहा जाता है, तो प्रदेश भर में जहाँ बूसू को लेकर अच्छा माहौल है उसमें अशोकनगर को कैसे देख पा रही हैं आप? अशोकनगर को डेफिनेटली अशोकनगर के बच्चों का एक नाम है, मध्य प्रदेश की टीम में एक जगह है उनकी, और मैं चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी और उनको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगी कि आप मेहनत करें, और जैसे सब जूनियर और जूनियर में तो है ही, पर सीनियर जी वर्ग में भी वो और अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि विक्रम अवार्ड के लिए सीनियर अचीवमेंट जरूरी है। तो मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगी और चाहूंगी कि सीनियर वर्ग में भी उनका अच्छा प्रदर्शन हो, और अशोकनगर में सिर्फ वुशु में ही नहीं, सभी खेलों में विक्रम अवार्ड आए। तो सिर्फ एक चीज आखिरी में कि इतनी सारी प्रेम मिला, लोगों से प्यार मिला, बहुत सारी शुभकामनाएं मिली, तो चूंकि इस माध्यम से पहली बार मुझे लग रहा है कि आप आ रही हैं अवार्ड घोषित होने के बाद, तो उन सब लोगों के लिए जिन्होंने वेल विशेष किया आपको शुभकामनाएं दी, कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी लोगों को, सभी अशोकनगर वासियों को, मेरे सम्माननीय सभी जनों को जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित करी, उन सबको बिल्कुल दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं सर के माध्यम से आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से चाहे मैं आपसे नहीं मिल पाती हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग के चलते बहुत कम अशोकनगर आना होता है, लेकिन आपकी जो विशेष है, आपका जो आशीर्वाद है, मुझ तक पहुंच ही जाता है, और वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। तो मैं आपको सिर्फ कल की विशेष के लिए नहीं, जो आप आज तक आपने मुझे जितना आशीर्वाद दिया है उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो अवार्ड जो मैं अशोकनगर लेके आऊंगी वो सिर्फ मेरा नहीं होगा, आप सबका ही होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए गुरक्षा, बहुत सारा धन्यवाद आपको और खूब सारी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, और अभी के लिए इसलिए थैंक यू के इतने व्यस्त समय में से और इतनी सेलिब्रिटी होने के बाद भी आपने अपने आपका लिए हमारे शहर के लिए समय निकाला, हमसे जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच।